नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। क्या आपको पता है शव ले जाते समय राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में राम नाम सत्य है का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इस नाम का 3 बार जप करने का फल 1000 बार किसी भगवान का नाम लेने के बराबर बताया गया है। अंतिम संस्कार के समय जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है बोलते हैं, जबकि किसी खुशी के समय इन 4 शब्दों को नहीं बोले जाते। तब हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि किसी की मृत्यु के पश्चात ही क्यों इन शब्दों का उच्चारण होता है, तो आइए इसे समझते हैं। राम नाम बोलने से क्या होता है? जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय राम का नाम लिया जाता है, यह शब्द जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शव के साथ चल रहे सब रिश्तेदार और परिजनों को यह ज्ञात करवाना होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तब वह कुछ अपने साथ नहीं ले जाता। व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। शरीर नश्वर है और आत्मा इस जीवन चक्र से मुक्त होकर संसार की मोह बंधन से मुक्त हो गई है, तो अब इस मृत शरीर का कोई अर्थ नहीं है और केवल एक राम का नाम ही है जो सत्य है। इस राम नाम के जपने से यह एहसास होता है कि वह व्यक्ति इस संसार से चला गया है। जब व्यक्ति चला जाता है तब उसके स्नेहीजन बहुत दुखी होते हैं। इस अटल मृत्यु की वेदना को वह सहन नहीं कर पाते। उस समय जब इस राम नाम का जाप करने से उनको उस दुख को सहने की शक्ति मिलती है, उनकी यह वेदना कम होकर उन्हें मानसिक शांति मिलती है। जब घर के किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब घर के सारे उनके रिश्तेदार पैसों के बंटवारे के पीछे लग जाते हैं और फिर संबंधों में कड़वाहट हो जाती है। वह यह नहीं समझ पाते कि यह सब लोभ और मोह की माया है। कभी न कभी उनकी भी मृत्यु होगी। जो जैसा कर्म करता है वह उसे भोगना पड़ता है, अर्थात उसका अगला जन्म उसी के आधार पर निश्चित किया जाता है। पर इस संसार रूपी माया को कोई नहीं समझ पाता। जो समझ जाए वही ज्ञानी कहलाए। इसीलिए जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है का जप मृतक के लिए नहीं होता, बल्कि उनके स्नेहीजन रिश्तेदारों के लिए होता है कि वह समझ सके कि मृत्यु अटल है और राम का नाम ही सत्य है। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।